मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए तो होमवर्क में मैंने आपको ए और एन से फाइव फाइव सेंटेंस बनाने को दिया था ना, तो चलिए बनाते हैं। ओके तो सबसे पहले एच डब्ल्यू डाल दीजिए पेज के ऊपर। ओके एच डब्ल्यू और यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा जब आप करेंगे काम तो। ठीक है अब बनाना है इसमें, पहले नंबर डाल लीजिए, नंबरिंग करते चलेंगे। वन वन नंबर पर बनाना सेंटेंस ए और एन वाला। ठीक है तो यहाँ हेडिंग में लिख दीजिए ए और एन। ओके चलिए अब पहला सेंटेंस बनाते हैं। ए से बनाएंगे पहले तो लिखेंगे दिस टी एच आई एस, दिस इज अ बॉय, बी ओ वाई बॉय। ओके चलिए देखिए मैं फोर लाइन की कॉपी यूज कर रही हूँ इंग्लिश वाली, इसी तरह आपकी भी रहेगी ना, तो कैसे कैसे लिखने हैं लेटर्स ये आपको समझ में आता रहेगा, इसीलिए इसी कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है अब नंबर टू में बनाते हैं, नंबरिंग कर दीजिए और उसके बाद बनाते हैं। चलिए क्या लिखेंगे दिस टी एच आई एस, दिस इज अ हट, एच यू टी हट, टॉप भी लगा देंगे ना। चलिए अब आगे थ्री नंबर पे डालें, थ्री नंबर पे भी लिखेंगे इज वाले, ठीक है ए वाले। ठीक है दिस टी एच आई एस, दिस इज अ वैन, V A N वैन, विराम चिन्ह। ओके अब बनाएंगे A N N वाले। चलिए तो अब नंबर फोर डाल लीजिए इधर। ओके अब बनाएंगे A और N, N A N वाले। ठीक है A वाले हमने बनाए ना इधर, अब N वाले बनाएंगे तो ठीक है लिखते हैं। चलिए T H आई एस, दिस आई एस इज एन ए एन एन ओ एक्स, वो बड़ा कर दीजिए हाँ क्योंकि नाम है ना किसी का, बट वो बड़ा कर दीजिए। ठीक है इसमें एन लगा क्यों लगा है, ये वॉवेल है ना, वॉवेल है ना यहाँ पे, इसके पहले क्या लगेगा एन लगेगा, तो देखिए एन लगा है ना, ऑक्स मतलब बैल, यहाँ लगे लगा देंगे फुल स्टॉप। नंबर फाइव ऐसे ही आप डालेंगे और लिखेंगे, इस बार भी हम क्या लिखेंगे एन वाले, तीन हमने ए वाले लिखे हैं और दो जो है लिखेंगे एन वाले, तो लिखते हैं चलिए टी एच आई एस, दिस आई एस इज एन ए एन एन, क्या लिखेंगे ई डबल जी एग, ई से शुरू है ना वॉवेल है ना ई, तो इसीलिए यहाँ पे ए एन एन लगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है तो चलिए इसी तरह आपका ए एन वाला कंप्लीट हो गया। ओके चलिए बच्चों तो हमने नेक्स्ट होमवर्क क्या दिया था आपको, यस और नो वाले फाइव सेंटेंस बनाने के लिए दिया था ना, तो चलिए डालिए एच डब्ल्यू डालिए, फिर एच डब्ल्यू है ना, एच डब्ल्यू डाल दीजिए और यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएंगे जब आप करेंगे तो डेट लिख देंगे। ठीक है अब क्या बनाना है हम लोग को, आज आज बनाएंगे वाई ई एस, यस नो वाले सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है तो हेडिंग में यस और नो डाल देते हैं। ठीक है अब चलिए बनाना है, अब यहाँ फिर से नंबरिंग करेंगे है ना, ये क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं जो सेंटेंस जो होंगे ना वो यस और नो जब लग जाता है तो ये क्वेश्चन वाले हो जाते हैं। तो ठीक है पहला नंबर डाल दो यहाँ पे है ना, अब देखिए यहाँ पे एक एप्पल बना देते हैं, आप अगर बना पाओ तो बनाना नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ऐसे भी लिख लोगे तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बना सकते हो तो वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं क्या है ये, एप्पल है ना, तो ये लिखा हुआ क्या है, आई एस इज दिस टी एच आई एस दिस एन, क्यों लग रहा है एन, वोवेल एन एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। तो क्या है क्वेश्चन, क्या मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क है, और क्या बोल रहे हैं, इज दिस एन एप्पल, क्या यह एप्पल है ना, तो आपको क्या कहना होता है, यस इट इज, तो लिख देंगे यहाँ पे, है ना। वाई ई एस यस आई टी इट आई एस इज, और ये फुल स्टॉप, ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बना आपका एक नंबर का, वन नंबर, ठीक है। आप टू बनाएंगे यहाँ पे, टू नंबर पे भी देखते हैं कोई सा फिगर बना देते हैं, कौन सा फिगर बना दे, चलिए कैट बना देते हैं, ओके। एक गोला मुंह बना लीजिए, आँख बना दीजिए इसकी, और ये इसकी पूछ मूछ बना दीजिए, और इसकी ये कान बड़े बड़े, और यहाँ एक बड़ा सा गोला इसका पेट हो गया, पूछ भी लगा देते हैं, ये क्या बन गया, कैट, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, इज आई एस इज दिस टी एच आई एस दिस अ कैट सी ए टी, या क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या है, इज दिस अ कैट, क्या यह कैट है, तो आपको क्या कहना होता है ना, कैट तो है ही है, तो लिखना होगा यस वाई ई एस यस इट इज आई एस इज, ठीक है। यस के बाद भी कॉमा लगाएंगे, यहाँ भी लगा दीजिए ऐसे, है ना, आपको क्या करना है, यस इट इज, और यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए आप नंबर थ्री डाल दीजिए, ओके। हाँ, फाइव सेंटेंस बनाने ना आपको, तो यहाँ नंबर थ्री सेंटेंस बन रहा है। यहाँ भी एक फिगर बना लेते हैं, क्या बना लें, कप बना लेते हैं, ठीक है, कप बन गया। चलिए क्वेश्चन क्या होगा, आई एस इज दिस टी एच आई एस दिस अ कप सी यू पी कप, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इधर, है ना, तो है कि नहीं बताइए आप, है ना, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, यस वाई ई एस यस, कॉमा लगा दीजिए, बिग डॉट लगा दीजिए, कॉमा ही लगेगा यहाँ पे, हाँ, यस इट इज आई एस इज, ठीक है। अब फिर नीचे बनाते हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा दीजिए, फिर से फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कॉमा सब जैसे हम लगा रहे हैं ना, मैम जैसे लगा रही हैं ऐसे आप ही लगाते चलिएगा, कहीं छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। चलिए नंबर फोर, अब नंबर फोर में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चलिए बेल बजा देते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बेल बना लेते हैं, ओके। क्या है, बेल है ना, हाँ चलिए बेल है, तो यहाँ लिखते हैं क्या क्वेश्चन होगा, इज आई एस इज दिस टी एच आई एस दिस अ हैन एच ई एन हैन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या यह हैन है नहीं है ना, ये तो बेल है, बेल बनाई थी ना हम लोगों ने, तो इसमें क्या करेंगे, नो इट इज नॉट, पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो लिखिए चलिए एन ओ नो, पहला लेटर है ना तो बड़े से लिखते हैं, ठीक है, तो नो बनाया नो, फिर कॉमा लगा दीजिए, नो इट इज नॉट एन ओ टी नॉट, फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो है क्या भी आपको लिखना होता है आंसर, तो लिखेंगे इट आई एस इट आई टी इट इज अ
बेल, बेल है ना ये, तो वहाँ से लिख देते हैं बी ई डबल एल और फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए उधर पेज भर गया ना, अब नेक्स्ट पेज पलट लेंगे सब बच्चे, है ना, दूसरे पेज में कर लेंगे। यहाँ नंबर डालिए, 4 नंबर तक कर लिया था हमने, अब नंबर 5 करेंगे, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ एक फिगर बना लेते हैं, क्या बना लें, चलिए डॉग बनाते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा कान बना दीजिए, आइज बना लीजिए उसकी, और इसकी टेल बना लीजिए, ठीक है। ये क्या बन गया, डॉग। अब क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एस इज दिस, टी एच आई एस दिस अ काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ मीन्स गाय, तो क्या ये गाय है, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ये भी नहीं भूलना है हम लोग को, ठीक है। ये क्या आपका, ये क्या है, काउ है, नहीं है ना, ये क्या है, डॉग है। तो आप क्या लिखेंगे, नो कॉमा लगेगा, इट आई टी, इट इज आई एस इज नॉट, एन ओ टी, इट इज नॉट, मतलब ये नहीं है, तो क्या है, ये भी तो आप लिखोगे, तो लिखेंगे इट इज अ डॉग, तो लिखे आई टी, इट इज अ डॉग, डी ओ जी, और फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह 5 सेंटेंस आपके बन गए, 2 पेज में बनाना है और सब बच्चे बना लेंगे, ओके। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट हमने कौन सा वर्क दिया था, दिस इज और दैट इज, है ना, इसके भी 5 सेंटेंस बनने थे, 5 सेंटेंस, ओके। तो दिस इज और दैट इज, तो यहाँ पहले एस डब्ल्यू डाल देते हैं, है ना, और फिर यहाँ हेडिंग भी डाल देते हैं, टी एच आई एस, दिस इज दैट, कॉमा लगा दीजिए, एच ए टी दैट इज, और डेट भी डाल लेंगे आप, ठीक है, और फिर यहाँ नंबर डालेंगे, नंबर 1 पे, 5 सेंटेंस बनाने हैं ना, तो नंबर 1 पे डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैं चित्र बनाऊंगी, इधर क्या बना देते हैं, चलिए एग बना देते हैं, ओके। ये एग क्या है, ये ई डबल जी एग। अब जो चीज़ पास होता है उसमें क्या लगता है, दिस इज, और जो दूर होता है उसमें दैट इज। तो देखिए इसके हम बहुत दूर जाकर लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से आपको उंगली दिखा के बताना पड़े, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, दैट इज, चलो टी एच ए टी, दैट इज अ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन, क्या है ये, एग है, बॉबल वाले, तो ए एन एन एग, ई डबल जी एग, है ना, फुल स्टॉप लगा दो, क्या है ये, क्योंकि यहाँ से आप बोलोगे दूर खड़े, दूर रखा कोई चीज़ होता है, दूर वाली चीज़ों में दैट लगता है और पास वाले में दिस लगता है, तो ये दूर है ना, इससे बहुत दूर है, जब आपको बताना होगा तो दूर से उंगली दिखा के बताना होगा, दैट, ओके। अब दिस वाले बनाते हैं, तो इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, तो दिस वाले लिख देंगे, टी एच आई एस, दिस इज एन ए एन एग, ई डबल जी एग, स्टॉप डाल दीजिए। अब देखिए ऐसे चित्र बनाएंगे आप भी, और जब दूर से लिखेंगे, दूर से दिखाना होता है तो दैट लगा के बनाएंगे, और चूंकि ये वॉवल भी है तो यहाँ एन लगा दिया है, और पास होगा जब जस्ट नीचे लिख रहे हैं तो दिस वाले लिखेंगे ना। अब नेक्स्ट फिर नंबर डाल दीजिए, नंबर 2, है ना। अब यहाँ क्या बनाया जाए, चलिए मैंगो बना देते हैं, मैंगो, सब बच्चे खा रहे होंगे ना आजकल, मैंगो आने लगा है ना, तो चलिए मैंगो, अब यहाँ पे मैंगो बनाया, और जब हम यहाँ लिखेंगे, दूर जाकर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है। तो चलिए टी
एच ए टी दैट दैट आई एस इज अ मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो फुल स्टॉप डाल दीजिए आई के ऊपर भी डॉट लगा देते हैं ना दिस इज अ मैंगो अब चलिए इसके नीचे यानी पास में क्या होगा दिस इज अ मैंगो टी एच आई एस दिस इज अ मैंगो एम ए एन जी ओ फुल स्टॉप नंबर थ्री डाल लीजिए फाइव सेंटेंस बनाने हैं ना नंबर थ्री ओके फिर यहाँ एक फिगर बनाना होगा क्या बना लें चलिए हट बना लेते हैं है ना हट सब बना लेंगे आसान आसान फिगर बना रहे हैं ताकि आप सब आराम से बना सकोगे है ना कठिन भी नहीं है देखिए हट बन गया ना तो चलिए अब जब दूर खड़े होकर बोलेंगे तो क्या लिखेंगे दैट चलिए यहाँ पर लिखेंगे टी एच ए टी दैट आई एस इज अ हट एच यू टी हट है ना अब यहाँ पास में लिखना है तो क्या लेबल लगेगा यहाँ पे तो दिस लगेगा चलिए टी एच आई एस दिस इज अ हैट हट एच यू टी हैट नहीं हैट हट है ना हैट मतलब क्या होता है हैट मतलब तो टोपी होता है हट मतलब झोपड़ी है ना यहाँ फुल स्टॉप डाल दीजिए और फिर देखते हैं फोन नंबर डाल के क्या लिखेंगे यहाँ चलिए अब हैट बना लेते हैं हैट याद आ गया हम लोगों को तो चलिए हैट ही बना लेते हैं ऐसे बनाइए एक डंडी ये हैट बना लिया ना हम लोगों ने चलिए अब दूर वाले सेंटेंस में दैट लगाना होता है तो चलिए टी एच ए टी दैट इज अ हैट एच ए टी हट में यू लगा था हैट में ए लगा है ठीक है अब यहाँ फुल स्टॉप अब यहाँ पे फिर पास में क्या लिखेंगे दिस ना टी एच आई एस दिस इज अ हैट एच ए टी हैट फुल स्टॉप चलिए नंबर फाइव डाल दीजिए फाइव सेंटेंस बनाने हैं आपको नंबर फाइव डाल दीजिए है ना अब यहाँ भी कोई फिगर लेते हैं क्या ले लें जग बना लेते हैं ना जग अभी तक बनाया भी नहीं है बड़ा सा जग में बड़े से जग में पानी रखा जाता है ये देखिए है ना ये जग बन गया और फिर उसी तरह दूर से जब बताएंगे क्या है तो डैट लगेगा तो यहाँ पे दूर लिख रहे हैं ना हम लोग तो चलिए टी एच ए टी दैट इज अ क्या है ये जग जे यू जी जग फुल स्टॉप ना अब पास में लिखेंगे तो क्या यूज होगा दिस टी एच आई एस दिस इज अ जग जे यू जी जग ना फुल स्टॉप डाल दीजिए इस तरह फाइव सेंटेंस हम लोगों ने बना लिए हैं चलिए स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका आई एम और यू आर का सेंटेंस बनाना है ना कैसे आई एम यूज होता है कैसे यू आर यूज होता है तो फाइव टेस्ट सेंटेंस बनाने हैं आपको तो नंबर वन डाल दीजिए इसमें लिखना है आई एम अपना नाम ठीक है इसमें अपना नाम लिख लेंगे सेकंड सेंटेंस में आ जाइए आई एम अ आप अगर गर्ल हैं तो गर्ल लिख लीजिए बॉय है तो बॉय लिख लीजिए है ना बस तीसरे पे आ जाइए अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने ब्रदर और सिस्टर का नाम अगर आप बॉय हैं तो अपनी बहन का नाम लिखेंगी सिस्टर का नाम लिख लेना अगर आप गर्ल हैं तो अपने भाई का नाम लिख लेना ठीक है ब्रदर का नाम तो यू आर
यहाँ पे लिखना है वही। अगर आप गर्ल है तो भाई का नाम लिख लीजिए, अगर आप बॉय है तो अपने दीदी का नाम लिख लीजिए, सिस्टर का नाम लिख लीजिए ना। अब यहाँ फिर आ जाइए नंबर फोर पे, क्या लिखना है यहाँ, यू आर अ, अगर आपकी आपने दीदी का नाम लिखा है तो गर्ल लिख देंगे, अगर आपने अपने भाई का नाम लिखा है तो बॉय लिख देंगे, है ना। और नंबर फाइव में क्या लिखना है, आई एम अ स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं तो आप लिखेंगे मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये पांच सेंटेंस आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। ओके थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल वी असिस्ट यू कपूर को यूट्यूब पे सर्च करिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके आने वाले कई एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल पे पड़े हुए वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने इस रेड बटन को क्लिक करना होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि कोई नई वीडियो पड़ गई है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।